इसरो आज रात 2 बजे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डिबूस्टिंग के जरिए चंद्रमा के और करीब लाएगा। डिबूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट को रफ्तार को धीमी करना। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाने की उम्मीद है। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। 23 अगस्त को लैंडिंग में समस्या आती है तो 1 महीने बाद फिर प्रयास होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को अगली सुबह का इंतज़ार करना होगा जो वहां 28 दिन बाद होगी। अभी विक्रम लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 157 किलोमीटर है। इसरो ने 18 अगस्त को डिबूस्टिंग के जरिए लैंडर की ऑर्बिट घटाई थी। डिबूस्टिंग में यान को चलने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। 17 अगस्त को चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। डिबूस्टिंग कैसे पूरी होगी? चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन शक्ति के एक एक थ्रस्टर की बदौलत संभव होगा। 2-2 थ्रस्टर को चरणों में काम करेंगे। लैंडिंग की मुश्किलों में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। लैंडर की रफ्तार को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। 23 अगस्त को लैंडिंग क्यों होगी? लैंडर रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा। चंद्रयान 3 क्या काम करेगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। लैंडर रोवर सतह पर पानी की खोज व अन्य प्रयोग करेंगे। थ्रस्टर तब फायर किए जब ऑर्बिट में चंद्रमा के सबसे करीब था चंद्रयान। इसरो ने बताया था कि पेरिल्यून में रेट्रो बर्निंग का कमांड मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स MOX स्ट्रेक बेंगलुरु से किया गया था। पेरिल्यून यानी वह पॉइंट जिस पर चंद्र कक्षा में एक यान चंद्रमा के सबसे करीब होता है। रेट्रो बर्निंग यान के थ्रस्टर को अपोजिट डायरेक्शन में फायर करने को कहा जाता है। यान की स्पीड धीमी करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर किए जाते हैं।